ओ ये एक रात में बनाया गया मंदिर है, रात में ये मंदिर खड़ा किया है। उस वक्त उनको पॉसिबल रहता है ना, वो भीम जो है बलवान, तो वो तो कहीं से भी पत्थर उठा के डोंगर उठा सकता है, वैसे वो उन्होंने किया होगा वैसे। एक कल्पना, अपनी कल्पना, एक रात में मंदिर कोई नहीं खड़ा था। यहाँ के नियम के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आपको अपनी शर्ट उतार के ही अंदर जाना होगा। हेलो दोस्तों, ट्राई फूडी में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनेश्वर मंदिर को देखने के लिए जो नसरापुर में है। ये प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में काफी किंवदंती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। दोस्तों बनेश्वर मंदिर नसरापुर पुणे से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर जाने के लिए पुणे बेंगलुरु हाईवे पर चेलाडी फाटा से नसरापुर के लिए राइट टर्न लेना है। चेलाडी फाटा से बनेश्वर टेंपल के लिए 1 किलोमीटर पे ये कमान लगा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद बनेश्वर मंदिर है। बनेश्वर 2 शब्दों से बना है, बन प्लस ईश्वर। बन का अर्थ है जंगल और ईश्वर का अर्थ है भगवान। जब भगवान जंगल में निवास करते हैं तो उसे बनेश्वर कहते हैं। दोस्तों ये है बनेश्वर वन उद्यान में जाने के लिए गेट। बनेश्वर एक प्राचीन मंदिर है, इसके साथ साथ यहाँ पर पिकनिक के लिए भी एक उद्यान बना हुआ है। ये मंदिर एक घने हरे क्षेत्र के बीच में स्थित है, यहाँ पर आने के बाद काफी अच्छा महसूस होता है। बनेश्वर मंदिर के सामने पार्किंग के लिए काफी बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, पार्किंग यहाँ पर फ्री है। हेलो दोस्तों, ट्रैफिकी में आपका स्वागत है और अभी हम आ गए हैं नसरापुर के श्री बनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। मेरे पीछे की तरफ है बनेश्वर महादेव मंदिर, तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मंदिर में अंदर आते ही श्री क्षेत्र बनेश्वर के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं रेनोवेशन का काम चल रहा है। मंदिर के प्रांगण में 2 पवित्र पौंड हैं। यह है पहला पौंड, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियां और कछुए यहाँ पर हैं। ये दूसरा पवित्र पौंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे कछुए हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घंटा भी है जिसे 1739 में बसिम की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराने के बाद चीमा जी अप्पा जी यहाँ पर लेकर आए थे। ये एक चर्च का घंटा था जिसे जीत के प्रतीक के रूप में यहाँ पर लाया गया। मुख्य मंदिर के सामने ये नंदी बैठे हुए हैं, नंदी की ये काफी प्राचीन प्रतिमा लग रही है। और इस तरफ ये दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर है, तो भगवान हनुमान जी के भी दर्शन अभी हम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मुख्य मंदिर को देखते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को मैनी टाइम्स रेनोवेट किया गया है। ये एक पांडवकालीन प्राचीन मंदिर है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर भी यहाँ पर आया करती थी। इस मंदिर का निर्माण 1749 में
पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव ने किया था। मंदिर के अंदर बने हुए इन स्कल्पचर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफी प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग है। यहाँ के नियम के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आपको अपनी शर्ट उतार के ही अंदर जाना होगा। ये एक रात में बनाया गया मंदिर है। रात में ये मंदिर खड़ा किया है। उस वक्त उनको पॉसिबल रहता है ना वो भीम जो है बलवान, तो वो तो कहीं से भी पत्थर उठा के डोंगर उठा सकता है। वैसे वो उन्होंने किया होगा वैसे। एक कल्पना, अपनी कल्पना। एक रात में मंदिर कोई नहीं खड़ा था। बराबर है, बराबर है। इसलिए वो एक रात में मंदिर खड़ा किया। उस वक्त जीर्णोद्धार बाजीराव पेशवा ने 1749 से 1755 इस कालावधि में जीर्णोद्धार किया इसका मंदिर का। और उधर वो जो लिखा है ना, आप एंट्री करोगे ना तो वहाँ बोर्ड पर लिखा है सब इसकी हिस्ट्री। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है ना मंदिर की, वो उधर बोर्ड में तो सब बोर्ड पर लिखा है। इसीलिए उसको ज़्यादा स्वयं वो है पंचलिंग जो है वो स्वयं है। हर शाम को उसकी आरती सोमवार को नहीं, खाली सोमवार को नहीं, हर रोज आरती रहती है। और जो महीने में शिवरात्रि रहती है ना उस वक्त भस्म आरती रहती है। और ये नहीं सहस्त्र जलधारा दुग्ध धारा ये दूध का अभिषेक जो रहता है वो अभिषेक भी करते हर शिवरात्रि। हाँ, हर शिवरात्रि को शिवरात्रि प्रदोष रहेगी ना। तो दोस्तों, बनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद दिल काफ़ी प्रसन्न हो गया। और यहाँ पे आने के बाद एक वन उद्यान है जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपीज़। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर पिकनिक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।